सोलन में माता शूलिनी की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई। हालांकि इस यात्रा का स्वरूप बेहद सूक्ष्म था, झांकियां नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सारा सोलन खुश नजर आ रहा था और उनके दिलों में बेहद सुकून था कि माता शूलिनी अपने मंदिर से निकलकर अपनी बहन से मिलने उनके मंदिर पहुंच चुकी हैं। ये परंपरा कई दशकों से चली आ रही है, जिसमें जून के अंतिम सप्ताह में शूलिनी माता अपनी बहन से मिलने के लिए सोलन शहर की परिक्रमा कर अपनी बहन से मिलती हैं। कोरोना के चलते शहर में कर्फ्यू लगाकर जिला प्रशासन ने इस शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें सभी लोग अपने घरों में रहे और किसी भी तरह की अनुशासनहीनता यहां देखी नहीं गई। शहरवासियों ने अपनी भावनाओं पर संयम रखा और लाइव ही माता के दर्शन किए, यहाँ तक कि वे अपने घरों से बाहर तक नहीं निकले, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि वे जिला प्रशासन का हर हालत में सहयोग करना चाहते हैं। अधिक जानकारी देते हुए माता के साथ चल रहे कल्याणों ने बताया कि 20 गांवों में माता के कल्याणे हैं, लेकिन सभी गांव से केवल एक एक व्यक्ति ही माता की शोभा यात्रा में शामिल हुआ है, ताकि किसी भी तरह से नियमों की अवहेलना ना हो। उन्होंने कहा कि वे माता शूलिनी से आग्रह करते हैं कि वे कोरोना महामारी को जल्द ठीक कर दें और अगले वर्ष बहुत ही धूमधाम और बड़े स्तर पर माता शूलिनी का मेला हो सके। माता का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और हमारी जो जैसी इच्छा थी कि इस वैश्विक महामारी के कारण इस बार महामारी की जो डोली है वो विस्तार रूप में नहीं जाएगी, इसलिए इसको सूक्ष्म रूप में किया गया, लेकिन पूर्ण सहयोग हमारे को पूरे शहर का और हर यहाँ जितनी भी जनता है उनका पूर्ण सहयोग मिला है। हम 20 गांव के जो कल्याणा वर्ग हैं उनमें से आज यहां पर सिर्फ इस रस्म को पूरा करने के लिए एक एक आदमी आया है और यहां का जो महामाई का आशीर्वाद है हम सबको जाके वहां देंगे, ऐसा पहुंचाएंगे वहां हम, और महामाई सबको अगले वर्ष आने के लिए यहां खूब हमें शक्ति दे, ताकि ये महामारी दूर हो और हम अगले वर्ष पूरे विधि विधान के साथ महामाई के इस कार्यक्रम को जो है वो इसमें अपना हिस्सा दे सके। वहीं एसपी सोलन अभिषेक यादव और उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कहा कि धार्मिक परंपरा कायम रहे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अवहेलना भी ना हो, इसको लेकर रणनीति बनाई गई थी, जिसके तहत शहर में कर्फ्यू लगाया गया और भारी पुलिस बल भी शहर में तैनात किया गया, लेकिन शहरवासियों और व्यापारियों ने जिला प्रशासन का भरपूर साथ दिया और शोभा यात्रा बेहद ही शांत प्रिय ढंग से निकाली गई। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि जिस संयम का परिचय उन्होंने शोभा यात्रा के दौरान दिया वही संयम 2 दिनों तक और बनाकर रखें और मंदिर आने का प्रयास न करें, क्योंकि किसी को भी मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उन्होंने कामना की कि शूलिनी माता का आशीर्वाद शहरवासियों पर यूं ही बना रहे। देखिए, आज जो शूलिनी माता का अपने बहन के घर जाना था, तो हमारी कोशिश यही थी कि परंपरा चलती रहे, जो काफ़ी सालों से चली आ रही है, तो ये निर्बाध चलती रहे। उसी के तहत हमने इंतज़ाम किए थे कि ये अनुष्ठान भी हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होता रहा और भीड़ भी इकट्ठी ना हो, तो इसलिए हमने सफिशेंट नंबर में यहाँ पे पुलिस पर्सन डिप्लॉय किए हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि मंदिर में जो अंदर रिचुअल चल रही है वो चलती रहें, जो इंटरनल पुजारी कल्याणे वगैरह काम कर रहे हैं, बाकी लोगों को अभी अनुमति नहीं दी गई है दर्शन करने की, तो कोशिश यही रहेगी कि अनुष्ठान भी हो जाए और लोग भी इकट्ठे ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बने जी। ये इंश्योर करने के लिए कि जब लॉकडाउन खुलेगा, आज ही इनफैक्ट जब लॉकडाउन का पीरियड ओवर हो जाएगा तो लोग यहाँ इकट्ठे ना हो, इसके लिए हमने पुलिस पर्सनल यहाँ डिप्लॉय किए हैं और ये जब तक माता यहाँ पर रहेंगी तब तक पुलिस पर्सनल यहाँ डिप्लॉयड रहेंगे। उनका ड्यूटी यही होगी कि मंदिर के बाहर लोग इकट्ठे ना हो और दर्शन करने की कोशिश ना करें, क्योंकि अभी ये अलाउड नहीं किया गया है, और हमारा फोकस यही था, हमारी कोशिश यही थी कि ये जो अनुष्ठान है, जो रिचुअल है, ये परंपरा चली आ रही है, ये पूरी हो जाए, और इसके साथ साथ जो कोविड रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं, कोविड रिलेटेड हमें सावधानियां बरतनी हैं, वो भी उनमें भी कोई ढिलाई। कोशिश यही थी कि दोनों चीज़ों में एक संतुलन बन जाए, जो हमारी परंपरा है वो भी चलती रहे और साथ में जो भावनाएँ लोगों की वो भी आहत ना हो और साथ में कोविड रिलेटेड जो प्रिकॉशंस हमें लेने हैं हम वो भी। ये बहुत ही प्राचीनतम परंपरा है, पूरा अनुष्ठान आवश्यक था, लोगों का सहयोग भी बहुत इसमें आवश्यक था, लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, लेकिन कोविड के तहत सोशल डिस्टेंसिंग के लिए थोड़ा एक ऐसे ऑर्डर भी आवश्यक थे जिससे लोग सड़कों में, ये पूरे व्यापार मंडल सारे नागरिकों के आह्वान था हम घरों पर रहेंगे, माता का ये निकाला जाए, तो हमने पूरा शहर पुजारियों और कारदारों के हवाले कर दिया था, उनकी इच्छा है माता को कहाँ से ले जाना है और पूरी व्यवस्था माकूल थी, और एक जो परंपरा जो बहुत समय से चली आ रही है
लोगों की भावनाएं जुड़ी है और एक बहुत एक माता अधिष्ठात्री क्षेत्र की हर एक आशीर्वाद अगले साल के लिए माँ के इस मेले से सबको मिलता है। हमारी जो इस वातावरण में जो बहुत बहुत जो प्रशासन से हो पाता था वो हमने किया, सरकार के अनुदेशों का भी पालन हुआ, कोविड के जो प्रोटोकॉल था उसकी भी अनुपालना हुई और माता की जो परंपरा है वो भी लागू रही। तो मेरा यही माता से निवेदन है कि अपना भरपूर आशीर्वाद सारे सोलन क्षेत्र के वासियों को मिले और सब घर से अब उनका जो लाइव जो इसका ये है और उसका आनंद उठाए। थैंक यू।